तो गाइस कीबोर्ड इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ माय सेटअप एंड मुझे लगता है कि जितने भी लोग टेक एंथुसियास्ट हैं या कंप्यूटर ओन करते हैं उनके लिए कीबोर्ड काफी ज्यादा इंटीग्रल पार्ट होता है उनके सेटअप का। और मैं कहीं ना कहीं अच्छे कीबोर्ड्स को लेकर काफी क्रेव करता रहता हूं। वैसे मैंने काफी तरह के कीबोर्ड्स को यूज कर रखा है, वो चाहे आपका मैकेनिकल हो, चाहे आपका TKL हो, चाहे आपका मेम्ब्रेन कीबोर्ड है ना, आपके जो नॉर्मल TVS गोल्ड विक्टर वाले कीबोर्ड है वो भी मैंने चलाए हुए हैं। तो गाइस मेरे पास सारे कीबोर्ड वायर्ड है। काफी टाइम से एक वायरलेस कीबोर्ड को क्रिएट कर रहा था जो कि मेरे मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो जाए, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल लैपटॉप्स डिवाइसेस एंड पीसी है। तो मैं चाहता था कि मुझे एक सीमलेस एक्सपीरियंस मिले ऑल द कनेक्टेड डिवाइसेस, जिससे मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले और मेरा जो सेटअप है उसके साथ भी ये इजीली ब्लेंड हो जाए। सो गाइस आई एम यूजिंग दिस कीबोर्ड पिछले एक साल से एंड उसका जो रिस्पांस है वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा मिला है देखने को। देखो ये कीबोर्ड कुछ खास और अलग है, अब वो कैसे वो मैं तुमको वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा ही। उससे पहले गाइस मेरा नाम है ऋषभ एंड आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल योर टेक कंज्यूमर में। बात करते हैं इस कीबोर्ड के बिल्ड क्वालिटी की, तो गाइस ये काफी ज्यादा स्टर्डी कीबोर्ड है जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है एंड इसमें जो फिनिश है वो आपको मैट फिनिश देखने को मिल जाती है। पर हाँ, अगर आप इसको यूज करोगे और आपके थंब इंप्रेशंस वगैरह इसमें इजीली रह जाते हैं, पर अगर आप इसको वाइप कर दोगे तो वो आपको फिर देखने को नहीं मिलेंगे। वही गाइस इस कीबोर्ड का वेट जो है वो 700 ग्राम्स के अराउंड वे करता है। और गाइस ये जो कीबोर्ड है वो आपको दो कलर वेरिएंट्स देखने को मिल जाता है। मेरे पास ब्लैक वाला है पर आपको मार्केट में व्हाइट वाला मिल जाएगा। बेसिकली व्हाइट वाले का दाम जो है वो हमेशा ज्यादा रहता है एंड मुझे थोड़ा चीपर ऑप्शन देखा था, इसलिए मैंने इसको व्हाइट की जगह ब्लैक ले लिया और मेरे मतलब सेटअप के साथ भी जा ही रहा था ब्लैक वाला। व्हाइट वाला मैं आपको इतना रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि वो गन्ना जब होगा तो अलग से दिखेगा, तो क्योंकि मेरे पास एक व्हाइट माउस है, मैं उसके बारे में कहीं बताऊंगा आपको। तो गाइस अब बात करते हैं इस कीबोर्ड के डिजाइन की। तो गाइस अगर इस कीबोर्ड के डिजाइन को आप देखोगे तो आपको काफी ज्यादा विंटेज वाइब देखने को मिलेगी, क्योंकि जो इसकी कीज है वो राउंडेड कॉर्नर्स में बनी हुई है एंड आपको पुराने ओल्ड टाइपराइटर वाली वाइब देगी। और जो कीज का स्टाइल है वो कह सकते हैं कि जो हमारे लैपटॉप में कीज आती है चिकलेट वाली, वो आपको फीडबैक देखने को मिलेगा, टैक्टाइल फीडबैक देखने को मिलेगा लैपटॉप साइड, वैसे ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब क्वालिटी में कहीं समझौता आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो गाइस ये कीबोर्ड 60% साइज के साथ आता है एंड इसमें जो कीज का ट्रैवल डिस्टेंस है वो आपको हैबिचुअल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप एकदम से जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड आते हैं उनसे अगर तुम शिफ्ट करोगे तो आपको कुछ दिन तो प्रॉब्लम होगी एंड उसके बाद जैसे आप थोड़ा हैबिचुअल हो गए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली आराम से इसको यूज कर पाओगे, आपको कीज को प्रेस करने में कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी, आपको जो ट्रैवल डिस्टेंस टाइम है वो फिर आपको कम लगेगा एंड आराम से आप टाइपिंग वगैरह कर पाओगे। वही बात करें इस कीबोर्ड के कीज की, तो उसमें गाइस आपको मल्टीपल तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। मतलब ये एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड है जिसमें आपको F1 से लेकर F12 तक के लेकर डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिसको आप विंडोज एंड मैक में मतलब अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। विंडोज में इसके कुछ अलग फंक्शन देखने को मिलेंगे एंड मैक ओएस में कुछ अलग फंक्शन देखने को मिलेंगे। अब अगर जहां मैक की बात हो चुकी है तो मैं बता दूं यहां पे आपको डेडिकेटेड ऑल्ट या ऑप्शन कीज के आपको देखने को मिल जाता है, वहीं कमांड एंड विंडोज की भी देखने को मिल जाती है। इसको आप अलग तरीके से कस्टमाइज तो नहीं कर पाएंगे पर आपको पता रहेगा कि अगर आप इसको मैक यूज कर रहे हो तो कौन सी बटन दबानी है। तो मतलब ये पूरा कीबोर्ड है वो मैक डिवाइसेस के लिए भी इजीली कंपैटिबल है। तो गाइस जब कीज की बात हो चुकी है तो गाइस मैं आपको इस कीबोर्ड के कीज का साउंड सुनाता हूं, आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें जो साउंड है वो कैसा आता है। वहीं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस कीबोर्ड के अंदर एक डायल देखने को मिल जाएगा। तो ये गाइस डायल आपका मल्टीपल डिवाइस की कनेक्टिविटी के लिए है, मतलब आप एक बार में 3 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं एंड आप इजीली डायल को टर्न करके मल्टीपल डिवाइस में स्विच कर सकते हैं, जो कि मेरे को काफी ज्यादा अच्छा फीचर लगता है इस कीबोर्ड का। वहीं गाइस आपको इसमें 2 डेडिकेटेड बटन देखने को मिल जाएंगे, एक आपका एंड्रॉइड एंड विंडोज पीसी के लिए है एंड दूसरी आपका डेडिकेटेड आईपैड मैक लैपटॉप या फिर आपका आईफोन है उनको कनेक्ट करने के लिए। मतलब आपके एक बटन से iOS डिवाइसेस कनेक्ट होंगी ब्लूटूथ के थ्रू और एक बटन से आपका विंडोज या फिर जो आपके एंड्रॉइड फोन से वो इजली कनेक्ट हो जाएंगे। तो गाइस इस कीबोर्ड में एक बड़ा सा गटर देखने को मिल जाता है जो कि रबड़ का बना हुआ है एंड इसमें आप अपना कोई भी डिवाइस इजली लगा सकते हो,
अगर आपके पास कोई एंड्रॉइड टैबलेट है या फिर आपके पास मेरी तरह एक आईपैड है या फिर अगर आईफोन है आपका नॉर्मल फोन है वो आप आराम से इसमें प्लेस करके यूज कर सकते हो। तो वहीं गाइस अब बात करते हैं इसके एलिवेशन की, तो यहाँ पे आपको ऐसे कुछ एलिवेशन वगैरह देखने को नहीं मिलता जो कि हमें अदर कीबोर्ड से देखने को मिल जाता है, पर फिर भी आपको ऐसा कुछ खास फील नहीं होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा भले अजीब लग सकता है क्योंकि मुझे भी ऐसा कुछ अजीब फील हुआ था, पर एक बार आप यूज हो जाते हो तो फिर आपको ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होती है। और इसके अगर बैक साइड की बात करें तो वहां पे आपको चार रबर गैंड देखने को मिल जाएंगे, तो इतना क्योंकि वेट है एंड जब कीबोर्ड आपका टेबल पे प्लेस हो जाता है तो ये इजिली मूव नहीं होता है, मतलब आपको आराम मतलब धक्का का लगेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तभी कहीं जाके ये मूव होगा, वरना अगर टाइपिंग के टाइम ये कहीं से भी स्लाइड नहीं करेगा। तो रबर गार्मेंट्स जो है वो काफी अच्छे से काम करते हैं। वहीं अगर आप बैक साइड में देखेंगे तो आपको एक ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाएगा जिसको आप ऑफ करके अपना बैटरी वगैरह सेव कर सकते हैं। पर पर्सनली मैंने सही बताऊं तो मैंने अपना एक साल से जितना मैं यूज कर रहा हूं मैंने फिर तो बैटरी वगैरह ऑफ नहीं करी है, एंड जो उसका कंपनी दावा करती है जो उसके साथ डबल ए बैटरी आती है, कंपनी दावा करती है आप 2 साल तक वो बैटरी चलेगी, बाकी आप कैसे यूज करते हो आप उनको 2 साल से भी ज्यादा लगा सकते हो, तो आपकी यूजेज पे भी डिपेंड करता है। फिलहाल मेरी बैटरी से अभी नहीं हुई है एंड वो वैसे ही चल रही है। तो गाइस वही बात करते हैं इस कीबोर्ड की कनेक्टिविटी की, तो गाइस ब्लूटूथ से कनेक्शन बहुत इजी होता है एंड कभी भी मैंने इसका कनेक्शन ड्रॉप होते हुए देखा, आराम से कोई लेटेंसी वगैरह भी मुझे कुछ खास देखने को नहीं मिलती, आप आराम से यूज कर सकते हो। एंड सबसे अच्छा पार्ट जैसे कि मैंने बोला आप साइड घुमाइए एंड फट से ही दूसरे डिवाइस में स्विच कर जाता है, आप आराम से यूज कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती है। एंड इसकी जो रेंज है वो 10 मीटर तक है, हालांकि 10 मीटर तक कौन यूज करता है, पर फिर भी मैंने सोचा आपको बता दूं। तो गाइस ये था कीबोर्ड का पूरा बेसिक ओवरव्यू एंड अब मैं मेरा कंक्लूजन बताता हूं उस पूरे कीबोर्ड को एंड मेरा क्या रिव्यू है वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। तो गाइस कीबोर्ड ये जिस प्राइस पॉइंट पे था मैंने शायद 2500 रुपए का लिया था एंड 2000 रुपए तक भी सेल में देखने को मिला था, काफी अच्छा था। पर अब जब मैं आज की तारीख में ये वीडियो बना रहा हूँ तो गाइस अभी मुझे Amazon या Flipkart या किसी वेबसाइट पे ये मुझे कीबोर्ड देखने को नहीं मिल रहा, एंड ये कीबोर्ड काफी ज्यादा पुराना मतलब 2017-18 में लॉन्च हुआ था एंड इतने सालों से चलता रहा, तो मुझे कीबोर्ड काफी अच्छा लग रहा था एंड मुझे मेरे बजट में सही लग रहा था तो मैंने परचेज करा, पर अनफॉर्चुनेटली अब ये कीबोर्ड डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो अगर आपको ये कहीं पर कीबोर्ड सेकंड हैंड या सही दाम या सही डील पे कहीं पे भी ये किसी स्टोर में मिल जाता है एंड सही प्राइस पॉइंट में मिलता है मतलब 2000 रुपए के आसपास, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। बाकी इसके कुछ अल्टरनेटिव्स हैं जो कि मुझे सही लगे हैं एंड उम्मीद करूंगा आपका सपोर्ट रहा तो मैं आने वाले टाइम में उन कीबोर्ड्स का भी रिव्यू ला दूंगा। पर अब इन इस प्राइस रेंज पे अच्छे कीबोर्ड्स अगर देना चाहते हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कुछ जाके लिंक्स, आप जाके उनको चेकआउट कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो परचेज कर सकते हो। बाकी ये जो पूरा कीबोर्ड का मेरा रिव्यू था मैंने आपको शेयर कर दिया, मैं 1 साल से यूज कर रहा हूं, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मैंने को देखने को मिला है एंड लॉजिटेक के मैंने काफी सारे प्रोडक्ट यूज करके रखे हैं। मेरे पास उसका MX Master 3S माउस है, एक G402 माउस है, एक 502 माउस है एंड उसके बाद कीबोर्ड है एंड मेरे पास और भी चीजें हैं लॉजिटेक के, पुराने जो मेम्ब्रेन कीबोर्ड होते हैं वो मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूं, तो मेरा जो एक्सपीरियंस लॉजिटेक है वो काफी अच्छा रहा है एंड मुझे कोई प्रॉब्लम अगर देखने को नहीं मिली है टिल डेट किसी भी डिवाइस के साथ। जाहिर सी बात है डिवाइसेस खराब तो हो ही जाते हैं कुछ ना कुछ टाइम, पर काफी मैंने लंबी शेल्फ लाइफ देखी है इनके माउसेस एंड कीबोर्ड्स वगैरह की एंड सपोर्ट भी मुझे काफी अच्छा मिला है मेरे एक पर्टिकुलर माउस के साथ, उसके बारे में कभी किसी और वीडियो में बात कर लेंगे जब उसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप लॉजिटेक के प्रोडक्ट्स मैं आपको मतलब रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसा कुछ स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं, मुझे अगर करती कंपनी तो वेल एंड गुड है पर कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आप जाकर उनको परचेज वगैरह कर सकते हो। तो आई होप आपको आइडिया लग गया कीबोर्ड का एंड आई होप आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी या कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई होगी इस वीडियो के थ्रू, एंड अगर आपको कोई सवाल है सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स वगैरह पढ़ता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है मुझे सपोर्ट दिखाना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा एंड अगर आप कोई वीडियो कोई भी प्रोडक्ट चेकआउट करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं, हमारे एफिलिएट लिंक से परचेस करेंगे तो चैनल को सपोर्ट मिलता रहेगा। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, मैं आपको मिलता हूँ किसी और अदर वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस आउट।